अन्न एवं औषधि प्रशासन विभाग ने काफी अरसे बाद कार्रवाई की और उसे अच्छी सफलता भी मिली। कोल्ड स्टोरेज में छापेमारी के दौरान 2.60 करोड़ रुपए का माल हाथ लगा। जारी बयान में कहा गया है कि माल खराब दर्जे का है और कुल 4 पार्टियों ने माल को कोल्ड स्टोरेज में रखा था। सूचना के आधार पर प्रीति इंडस्ट्रीज कलमना में 11,727 किलो माल बरामद किया गया। इसकी कीमत 56.19 लाख की गई है। इसी प्रकार लीगांव स्थित फार्मोको कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड में विनर ट्रेडर्स इतवारी, आरआर ब्रदर्स इतवारी, टीएम इंटरप्राइजेस इतवारी और इमरान सुपारी ट्रेडर्स इतवारी का 72,810 किलो माल रखा हुआ मिला। इसकी कीमत 2.60 करोड़ रुपए आकी गई है। सुपारी की क्वालिटी की छानबीन की जा रही है। कार्रवाई आयुक्त अभिमन्यु काले के निर्देशन पर आनंद महाजन, यदुराज दहातोड़े, राजेश यादव, संदीप सूर्यवंशी, पीयूष मानवतकर भाबरे, अमर सोटके, ललित सोयाम ने की। यह सही है कि काफी समय के बाद करोड़ों रुपए की सुपारी पकड़ी गई है, लेकिन इसकी पूर्व पकड़ी गई सुपारी आज कहाँ है यह किसी को पता नहीं। कुछ गोदाम से गायब हो गई, कुछ मिली भगत कर कौड़ियों के मॉल बेच दिया गया। कई ऐसी कंपनियों को सुपारी बेची गई है जो अस्तित्व में नहीं रहती। पिछले दिनों एक अधिकारी का नाम भी इसमें आया था। इसके बाद पुनः उस अधिकारी ने करोड़ों रुपए की सुपारी को मोमिनपुरा के एक टिम्बर कारोबारी को बेचा, लेकिन वह टिम्बर मोमिनपुरा में था ही नहीं। सुपारी पकड़ना और उसके बाद में कौड़ियों के मोल बेचने का एक बड़ा नेटवर्क अधिकारी और व्यापारी मिलकर चला रहे हैं। इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जांच रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है।